हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद। तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट 2 months नाउ कि मैंने कोई रिव्यू नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैं वेकेशंस पे था और मैं तकरीबन 2.5 साल बाद वेकेशंस पे गया था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा वापस जोन में आते आते। आई वॉज रिलैक्सिंग एंड चिलिंग, चिल मार रहा था। सो फाइनली आई एम बैक, और आज के इस नए एपिसोड में मैं एक काफ़ी लेटेस्ट, एक नया और बहुत ही मशहूर परफ्यूम को रिव्यू करूँगा। इस परफ्यूम ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा इसका बस था, काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप बनी हुई थी। हाइप तो इसकी अभी तक है, लेकिन अच्छी बात यह है, खुशकिस्मती की बात यह है कि इस दफ़ा द हाइप इज़ रियल। क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि किसी चीज़ की हाइप बनती है ग्रुप्स में किसी वजह से, लेकिन जब आप उसको बाय करते हो, परचेज करते हो, तो आपको वैसा अच्छा एक्सपीरियंस उससे अक्सर नहीं मिलता। लेकिन इन दिस केस This is a stunner, an extraordinary perfume. और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Ganymede from the house of Marc Antoine Bacquois, Paris. तो चलें सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। तो Marc Antoine Bacquois एक पेरिस बेस्ड डिज़ाइनर हाउस है। ये इनकी क्लोथिंग लाइन्स भी है, फैशन स्टफ काफ़ी ये और चीज़ें बनाते हैं, लेकिन दिस परफ्यूम इज़ रियली अ नीच क्लास क्रिएशन। ये आप इसको डिज़ाइनर किसी तरह भी नहीं कह सकते, इस अनीश फ्रेगरेंस। तो ये हो गया कि उसके ब्रांड के बारे में। और चलें अगर बात करें परफ्यूमर की, तो जिस परफ्यूमर ने इस खूबसूरत परफ्यूम को डिज़ाइन किया है, उसका नाम है क्वेंटिन बिश, एंड ही इज़ एन एक्सीलेंट परफ्यूमर। अगर आप फ्रेग्रेंटिका पे उनकी और क्रिएशन देखेंगे, तो ये विल नो के अंदर काफ़ी मशहूर जो फ्रेगरेंसेज हैं वो कंपोज किए हैं। तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं इस नाम की, गैनीमेड। तो गैनीमेड अगर ग्रीक माइथोलॉजी में आप देखें, तो एक हीरो था उनका, एक डिवाइन हीरो था बड़ा मशहूर, और जो कि मॉर्टल्स में से था, और वो एक हसीन तरीन मॉर्टल था। लाइक एज दे सेड के ही वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्टल। मॉर्टल्स बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी में मॉर्टल्स होते हैं और इमॉर्टल्स होते हैं। इमॉर्टल्स गॉड्स होते हैं जो कभी मरते नहीं, हमेशा के लिए जो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, जिन्हें कभी मौत नहीं आएगी, उन्हें इमॉर्टल्स कहते हैं। मॉर्टल्स जैसे इंसान या ह्यूमन बीइंग्स जो मर जाएंगे। तो सबसे खूबसूरत मॉर्टल था, यानी यू कैन से कि ह्यूमन बीइंग था, जिसको खुदाओं ने अगवा करके अपने पास रख लिया था। तो एक ये एस्पेक्ट है इसके नाम का, और बेसिकली ये नाम ग्रीक माइथोलॉजी से ही है। और दूसरा जो मशहूर है वो है जुपिटर का मून, गैनीमेड मून। गैनीमेड मून मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मून है हमारे सोलर सिस्टम में, और सिर्फ एक, इट्स ओनली वन विद मैग्नेटिक फील्ड विच आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर आप गैनीमेड मून कि अगर आप उसकी कंपोजिशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट रॉक्स और वाटर, और उसके साथ उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है आयरन। तो ये दोनों एस्पेक्ट आपको इस परफ्यूम में मिलेंगे। जब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो यू विल नो कि ये इसका नाम गैनीमेड क्यों रखा गया है। और चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है इस बॉक्स में। ये ऊपर एक गोल्डन स्लीव है, अंदर एक ये हार्ड बोर्ड का ब्लू कलर का बॉक्स है। तो अगर इसका स्लीव रिमूव कर दिया जाए, तो ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेगा। और जब आप इसको ओपन करेंगे, तो जो इसका ये टॉप का पार्ट है लिड, इसके ऊपर यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में प्रिंट हुआ मिलता है ब्रांड का नेम, Marc Antoine Bacquois पेरिस। और फिर आपको मिलेगी आपकी बॉटल इस बॉक्स में, लेकिन क्वालिटी इज़ नॉट गुड हेयर टू बी वेरी फेयर। बॉक्स तो हार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फोम या वेलवेट की कुशनिंग नहीं मिलेगी, बल्कि ये पेपर का कटआउट बना के इसमें बॉटल रखी गई है, और ये बड़े आराम से गिर जाती है। और फिर उसके साथ आपको यहाँ पर मिलेगा एक छोटा सा ये बुकलेट। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि इस परफ्यूम ने ईयर 2020 में काफ़ी सारे अवार्ड विन किए थे, जो कि आप जाके इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो इस बुकलेट में इनके जो बाकी परफ्यूम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल मिलेगी। आई थिंक अभी तक इनके टोटल 3 परफ्यूम मार्केट में हैं। और उसके अलावा इस परफ्यूम ने, गैनीमेड ने जो अवार्ड विन किए थे, आपको वो डिटेल यहाँ मिल जाएगी। ये आप
उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको मिलता है ये छोटा सा एक बुकलेट, ये बॉक्स, और फिर आपको मिलती है ये खूबसूरत सी बॉटल। तो ये आपको इस तरह की एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप बॉटल में मिलता है। फ्रंट पे यहाँ पर एक आपको गोल्डन कलर का ये स्टिकर है या प्रिंटिंग है व्हाटएवर, लेकिन ये आपको एक ऐसी फील देता है जैसे ये ग्लास के अंदर प्रिंट हुआ हुआ है, क्योंकि अगर आप ऊपर से इसको इवन के नाखून से भी करने की ट्राई करेंगे तो आपको इसके एजिस फील नहीं होते, इट्स लाइक अंडर द ग्लास लेयर। और यहाँ कटआउट में आपको लोगो ब्रांड का नाम गेनिमेड और यहाँ पे नाम ब्रांड का नाम, ये तीन चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आपको तीनों साइड्स पे कुछ नहीं मिलता। इट्स क्लियर ग्लास बॉटल और जूस का कलर आप देख सकते हैं, इट्स वेरी लाइट पेल येलो, गोल्डन कैप है और एटोमाइजर भी गोल्डन है। ऑलरेडी मैंने स्प्रे किया हुआ है अपने हाथ पे, तो मैं इसको दोबारा स्प्रे नहीं करूँगा, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट। तो ये थी इसकी बॉटल, बॉटल काफ़ी खूबसूरत है। और चलें अब आते हैं नोट्स ब्रेकडाउन की तरफ। तो नोट्स ब्रेकडाउन मेरे पास यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर हैं, तो आपको इसमें मिलते हैं मेटेलिक नोट्स, वायलेट लीफ, इमोर्टेल, इटालियन मैंडरिन, स्वेड लेदर, चाइनीज ओस्मेंथस, सेफ्रन और एकीगेला वुड या अकीगेला वुड जो भी है। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो इसकी ओपनिंग में आपको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट नोट मिलता है वो है मिनरल का नोट, और ये वो नोट है जिसने इस परफ्यूम को मशहूर किया, जिसने मेनली इसको ये फेम दिया है। तो मिनरल के नोट में आपको एक सॉल्टी टाइप की एक आपको स्मेल मिलेगी, उसके साथ साथ आपको मिनरल के जैसे एक मार्बल की कोई स्लैब्स कट रही हो उस टाइप की मिनरल्स का आपको इसके अंदर खुशबू आएगी। प्लस आपको इसमें एक मेटेलिक नोट मिलता है, जैसे एक आयरन, अगर आप कभी जिम वगैरह जाते हो तो बार को, लोहे की जो बार होती है उसको काफ़ी दफ़ा हाथ लगाने में अगर आप स्मेल करें आपको एक मेटल की उसमें से स्मेल आती है। तो इस टाइप की आपको इसमें एक मिनरल का एक नोट मिलता है। उसके साथ आपको मिलता है ये जो एक मिक्स होता है बहुत ही खूबसूरत सिट्रसी मैंडरिन के साथ, और ये कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है कि ये इस परफ्यूम को एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत टच देता है। और इसको मतलब ये दिस कॉम्बिनेशन वर्क वेरी वेल, जिस वजह से ये परफ्यूम इतना मशहूर हुआ है। और उसके साथ साथ आपको इसमें मिलता है वायलेट लीफ। वायलेट लीफ का नोट आपको इन अ फ्लोरल वे एक बड़ी ही खूबसूरत फ्रेश ओजोनिक काइंड की फील देता है, बड़ी वेट टाइप सी, वाटरी टाइप सी फील देता है। जैसे अगर आप फ्रेश खीरा काटें तो उसमें एक वाटरी सी, ठंडी सी, बड़ी फ्रेश सी फील आती है, हालांकि खीरे की अपनी स्मेल नहीं होती बट इट गिव यू दैट फील। तो वायलेट लीफ आपको इन अ फ्लोरल वे इस टाइप की एक फ्रेश ओजोनिक और वेट फील देता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको स्टार्ट में, बिल्कुल जैसे आप इसको स्प्रे करते हैं, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, यूनिक और समथिंग टोटली डिफरेंट। और उसके बाद आपको इसके अंदर एक नोट मिलता है टोबैको टाइप का, एक आपको टच, हल्का सा टच बड़ा आपको मिलता है हर्बल और टोबैकोश काइंड फील मिलती है आपको इसमें, जो आ रही है इमोर्टल से। इमोर्टल भी एक इसका मेन प्लेयर है। इमोर्टल बेसिकली फ्लोरल टाइप ही स्मेल करता है, लेकिन वो आपको एक फील देता है ब्रेड ड्राई लाइट हर्ब्स की, और उसके साथ साथ आपको उसमें एक फील मिलती है हनी टोबैको की, लेकिन बहुत लाइट होता है ये, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टोबैको टाइप आपको फील नहीं आती, सिर्फ एक टच है बहुत हल्का सा, वो भी जब आप तीन चार वेरिंग देंगे तो आपको एक हल्का सा एको फील होगा बट इन फ्लोरल वे। तो काफ़ी फ्लोरल एस्पेक्ट्स भी इस परफ्यूम में हैं, तो आपको उन मिनरल नोट्स के साथ साथ आपको ये फ्लोरल टचेस भी मिलेंगे, सिट्रसेस भी मिलेंगे। और फिर बेस में आपको इसमें स्वेड लेदर, जो एक सॉफ्ट बड़ा राउंड सा सॉल्टी सा लेदर होता है, उसके साथ आपको इसमें कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं। और ये जो एक इसमें नोट मेंशन किया गया है एक गेला वुड, ये बेसिकली एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, और इसकी स्मेल कुछ इस तरह से है जैसे आपको ये एक टच देता है चूली का, और उसके साथ आपको इसमें एक पेपरी सी फील मिलती है और एक वुडी नोट्स मिलते हैं। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे फ्रेगेंटिका पे तो वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फाइन एगर वुड, लेकिन इसमें ऊद टाइप की आपको वो फील नहीं आती, बल्कि आपको इसमें हल्की सी वुडी फील मिलती है वो भी बेस में, लेकिन ओवरऑल इट्स सो रिफ्रेशिंग, वेरी ब्यूटिफुली डन। ये एक वो हैवी वुड बेस सेंट बिल्कुल नहीं है, इट्स मोर ऑन
फ्लोरल और सिट्रसी साइड विद अ लॉट ऑफ मिनरल्स और एक सॉल्टी फील आपको इसमें मिलती है। ये काफ़ी लीनियर परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन स्टिल ये आपको बोर नहीं करता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो परफ्यूम ज़्यादा चेंज नहीं करते वो कुछ अर्से बाद आपको बोर कर देते हैं, लेकिन दिस वन इज़ सो नाइसली डन। इसको स्मेल करते ही एक जो आपके माइंड में इमेज बनता है वो ऐसा, अगर आप कभी किसी सॉल्ट माइंस में गए हों या आप किसी मार्बल की कान में गए हों, तो मार्बल जैसा 100% स्मेल नहीं करता, लेकिन इसको स्मेल करते ही जो आपके माइंड में एक पिक्चर आती है वो ऐसी आएगी जैसे अगर आप खोड़ा की कान में कभी अगर आप गए हों, तो सॉल्टी टाइप जो आपको एक फील आती है उस टाइप की आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है। सो ये था इसकी खुशबू के बारे में। रियली अमेजिंग क्रिएशन है, प्योर लव एंड प्योर ब्लिस, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत यूनिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जस्ट वाओ। और वंस अगेन वन ऑफ माई दी बेस्ट फाइंडिंग ऑफ 2021। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, और चलें अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इट्स अ वेरी हैवी हीटर, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हार्ड परफ्यूम है। हार्ड इन नॉट दैट सेंस, क्वालिटी इज अमेजिंग, सो रिफाइंड। हार्ड मीन्स के मसलन परफॉर्मेंस वाइज इट्स टॉप नॉच, बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्शन सीआर इज अमेजिंग। लॉन्जिविटी, मैंने इसको अभी तक 9 से 10 घंटे शायद टेस्ट किया है। एक्चुअली मैंने अपने वेकेशंस में ही एक फंक्शन पे, वेडिंग पे, अपनी वाइफ पे स्प्रे किया था इसको, और इट वाज अराउंड लाइक 5:30 PM शाम के वक्त और रात 12:30 तक, जब भी वो मेरे पास से गुजर रही थी या मेरे पास आ रही थी कोई बात करने, या जब भी इंटरेक्शन हो रहा था, तो मुझे इस परफ्यूम के वीफ्स आ रहे थे और स्ट्रॉन्ग वीफ्स आ रहे थे। और इन द एंड जब गाड़ी में बैठ के वी आर गोइंग बैक टू अवर होम, स्टिल इट वॉज फिलिंग द कार। सो 5:30 शाम से लेकर रात 12:30 तक अगर ये आपके साथ चल गया है, और इट वॉज वेरी कोल्ड इन लाहौर, तो आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस इज टोटली नॉट एन इशू हेयर। तो इधर परफॉर्मेंस के बारे में अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर की बात करूँ तो प्योरली यूनिसेक्स, लेडीज और जेंट्स कोई भी बिला झिझक इसको लगा सकता है। एज की बात करूँ तो वंस अगेन एनी एज, आप टीनेजर हैं, आप ओल्ड एज हैं, आप मिडिल एज में हैं, आप कुछ भी एज है, यू कैन पुल इट ऑफ ईजिली। और अगर बात करें सीज़न की या वेदर की, तो एक दफ़ा फिर जिस मर्जी सीज़न में, समर्स में, विंटर्स में, कभी भी लगाएं, इट विल रॉक। इट्स काइंड ऑफ अ हरफन मोला टाइप ये परफ्यूम है। और अगर मैं बात करूँ ओकेजन की, तो एक दफ़ा फिर आप इसे हर जगह लगा सकते हैं विदाउट एनी थिंग। इट्स वेरी ब्यूटिफुल मास प्लीजिंग सेंट, लेकिन मैं पर्सनली इसको लगाना चाहूँगा सिर्फ किसी स्पेशल ओकेजन्स पे, शादी पे, या अगर आपकी अपनी शादी है, या किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, बहुत हाई क्लास मीटिंग में, किसी बहुत कॉरपोरेट हाई क्लास मीटअप पे, किसी लंच पे, डिनर पे, या स्पेशली आपकी डेट पे, और एनी मोमेंट जिसको आप यादगार बनाना चाहते हो, तो वहाँ पर आप इसको लगाएं। एक और रीज़न कि जिस वजह से मैं इसको रोज़ नहीं लगाना चाहूँगा वो ये है कि आई डोंट वॉन्ट टू गेट बोर्ड ऑफ इट, क्योंकि अगर आप इसको रोज़ लगाना शुरू कर देंगे तो एक टाइम आ जाएगा जब आपको थोड़ा सा आप यूज्ड हो जाएंगे, और आपको ये इतना ज़्यादा अमेज नहीं करेगा, सरप्राइज करना छोड़ देगा डेफिनेटली अगर आप रोज़ एक चीज़ लगा रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू इन्जॉय इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए मैं इसको लगाऊंगा कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे, बाहर जाते हुए कहीं वीकेंड्स पे, या किसी, यानी कोई भी एक किसी खास मौके पे। मैं इसको रोज़ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप इसको डेली वेयर में भी लगा सकते हैं। और मेरे लिए रोज़ ना लगाने की एक और वजह ये भी होगी कि बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और इसका अवेलेबिलिटी का भी बहुत इशू है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था इसकी ओकेजन के बारे में। और अब आते हैं मेन पॉइंट, जो है इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। यूरोप में तो मेरे ख्याल से इट्स ईजीली अवेलेबल, वहाँ पर तो आपको मिल जाएगा विदाउट एनी इशू, लेकिन मिडल ईस्ट में, जैसे कि मैं यहाँ यूएई अबू धाबी में रहता हूँ, या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, उस साइड पे मेरे ख्याल से इट्स नॉट ईजीली अवेलेबल। इवन कि मेरे ख्याल से यूएस में भी आपको इतने आराम से शायद ना मिले। तो मैं 2-3 माह पहले जब इसको ढूंढ रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू सर्च इट आउट, तो मैंने इनको ईमेल की, यानी इनको मार्क एंटोन बकवास वालों को, कि यार मुझे आपका परफ्यूम यहाँ यूएई में नहीं मिल रहा, तो आपका कोई डीलर है तो मुझे बताएं। सो इन्होंने मुझे एक वेबसाइट का लिंक भेजा था, आई थिंक इट्स nose.com समथिंग करके थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने कहा कि आप वहाँ से मंगाएं, वो आपको यूएई में वही डील कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी प्राइसिंग चेक की मैंने,
तो ये मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, ये मुझे तकरीबन कॉस्ट कर रहा था अराउंड 200 यूरोस के आसपास, क्योंकि 175 का तो शायद इसका अपना प्राइस था और इसके ऊपर आई थिंक देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ कोरियर चार्जेस और शिपिंग और देन मुझे यहाँ पर उसके ड्यूटी भी पे करनी थी, सो इट वाज गोइंग वेरी हाई, द प्राइस वाज गोइंग वेरी हाई, तो मैंने वहाँ से इसको स्किप किया एंड थैंक्स टू वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान में हमारे भाई अलवी भाई, सर हेड्स ऑफ टू यू, उन्होंने मेरे लिए ये अरेंज किया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में मुझे इसकी प्राइस जो कॉस्ट की है इट्स अराउंड 30,500 और 32,000, मुझे अभी याद नहीं, मैं लिटरली भूल गया हूँ, बट 30-32 के आसपास का इसकी प्राइस हमारे वहाँ पर चल रही है। शायद आने वाले टाइम में कुछ कम हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट यू कैन से कि आप 30-32 की प्राइस का आइडिया लेकर चल सकते हैं, 30-32,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ फॉर 100 ml। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप इसको कम से कम एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। इट्स ट्रूली अ मास्टरपीस, अ रियल मास्टरपीस सेंट। ऐसी फ्रेग्रेंसेस आई डोंट थिंक रोज़ बनती हैं, तो दिस इज सो गुड, सो गुड। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट गैनीमेड फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंटोन बखवा पेरिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।